हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्टडी वायर यूट्यूब चैनल। और जो अपनी लेक्चर सीरीज चल रही है एमपी संविदा वर्ग 3 को लेकर, उसका ये लेक्चर नंबर 22 है। अभी तक हम टोटल 21 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं और इन सारे लेक्चरों में हम वह क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो कि प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम पेपरों में आए हैं। और ये TET हरियाणा, UP, बिहार, राजस्थान और MP, ये सारे पेपरों को लेकर जितने क्वेश्चन आए हुए हैं हम उन्हीं को डिस्कस कर रहे हैं। और अभी हम जो सीरीज डिस्कस कर रहे हैं स्पेशली ये चैप्टर वाइज कर रहे हैं, तो आज की सीरीज़ में या आज के लेक्चर में जो क्वेश्चन होंगे सुपर 30 क्वेश्चन, वो होंगे ऊर्जा एवं संसाधन को लेकर, ठीक है। और इसमें कुछ क्वेश्चन वन्यजीव अभ्यारण्य के डले हैं, 4-5 क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं। तो ये सारे क्वेश्चन हैं जो कि प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुके हैं, हम डिस्कस कैसे करने वाले हैं। तो पहले क्वेश्चन देखते हैं और उसके बाद उसकी जितनी डिटेल हो सके वो देखते हैं, जिससे आपको एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिल सके। आपको एग्ज़ाम ये टेस्ट है उस प्रकार से लगाना है सारे क्वेश्चन कि आप एग्ज़ाम दे रहे हो, तो इससे क्या होगा आपके कुछ नंबर आएंगे अच्छे खासे। तो वह सारे नंबर अगर आप कमेंट बॉक्स में बताते हैं तो आपके और भी नंबर आप अदर जो हमारे व्यूअर है उनसे कंपेयर कर सकते हैं और हम ये देख सकते हैं कि हमारी तैयारी किस आधार पर और कितनी चल रही है। तो आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो मित्रों, सबसे पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि LPG के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है, ठीक है। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं कि LPG के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4th होगा इसका आंसर, वह मैथेन उत्सर्जन करने वाला है, ठीक है। तो इसमें जो सत्य है पहले वो देख लो कि LPG एक स्वच्छ ईंधन है, यह उच्च ऊष्मीय मान का है और यह नीले ज्वाला से जलने वाला है, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें अप्लाई होती है, यह एक स्वच्छ ईंधन है, यह उच्च ऊष्मीय मान वाला है और यह नीले ज्वाला से जलने वाला है, मतलब ये क्या नहीं है। तो यह मैथेन उत्सर्जन नहीं करता है, ठीक है। और अगर हम और डिटेल की बात करें तो जो LPG है इसका फुल फॉर्म होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। यह एक प्राकृतिक गैस है, यह मुख्यतः प्रोपेन और ब्यूटेन का हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है, ठीक है। ये चीज़ भी आप याद रखिएगा कि LPG जो है वो प्रोपेन और ब्यूटेन, ठीक है, प्रोपेन प्लस ब्यूटेन का मिश्रण है। और अगर हम देखें तो इन्हीं हाइड्रोकार्बनों गैसों को द्रवित कर सिलेंडरों में भर दिया जाता है, जिसे हम LPG कहते हैं, ठीक है। और इसमें गंध के लिए एक पिगमेंट अलग से मिला दिया जाता है, ठीक है। जो LPG की गंध आती है तो वो आती है एथिल मरकाप्टेन के कारण, ठीक है, एथिल मरकाप्टेन के कारण आती है गंध। और एथिल मरकाप्टेन का जो फॉर्मूला होता है वो C2H5SH, ठीक है, C2H5SH है। और ये एथिल मरकाप्टेन का फॉर्मूला है जो कि हम LPG में मिला देते हैं, जिसके कारण हमें गंध आती है। और पता चलता है कि यदि LPG लीक हो रही है तो इसी के माध्यम से हमें पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 2nd की बात करें तो LPG किसका संक्षिप्त रूप है, ठीक है। तो LPG किसका संक्षिप्त रूप है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर, लिक्विड पेट्रोलियम गैस का। क्वेश्चन नंबर 3rd, CNG संक्षिप्त रूप है, ठीक है, CNG का संक्षिप्त रूप है, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 2nd, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। तो जो CNG है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है का संक्षिप्त रूप है। इसका प्रयोग जो होता है ईंधनों में वाहन के रूप में, सॉरी, वाहनों में ईंधन के रूप में किया जाता है, ठीक है। और इससे वायु प्रदूषण नहीं के बराबर होता है। वास्तव में जो CNG है प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला ज्वलनशील गैस को अत्यधिक दाब से अंदर रखने के लिए, ठीक है, बने तरल में रखते हैं और इन गैसों को वाहनों में प्रयोग करते हैं, ठीक है। जो CNG का प्रयोग वाहनों में यूज़ किया जाता है, और फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और नाम इसलिए ऐसा पड़ा क्योंकि अत्यधिक दाब पर इसे सिलेंडर में भरा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4th, कि भारत में प्रथम बायोगैस संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ, ठीक है। तो भारत का जो प्रथम बायोगैस संयंत्र है वो कहाँ पर स्थापित हुआ, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 1st आंसर, पिलानी में। तो भारत का जो प्रथम बायोगैस संयंत्र था वो पिलानी में स्थापित हुआ, और ये स्थापित हुआ है 1962 में। याद रखिएगा पहला बायोगैस संयंत्र 1962 में पिलानी। और राज्य की अगर हम बात करें तो जो पिलानी एक डिस्ट्रिक्ट है जो कि राजस्थान राज्य का है, ठीक है, राजस
थान राज्य का एक डिस्ट्रिक्ट है पिलानी, वहाँ पर 1962 में पहला बायोगैस संयंत्र स्थापित हुआ था। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, कि निम्न में से कौन सा पदार्थ बायोगैस संयंत्र है, बायोगैस संयंत्र में प्रयोग नहीं होता है, ठीक है, मतलब ये जो चारों ऑप्शन दे रखे इनके अनुसार ऐसा कौन सा पदार्थ है जो कि बायोगैस संयंत्र में यूज़ नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सेकंड आंसर हो जाएगा खनिज तेल का। तो बायोगैस संयंत्र में जैव पदार्थ जैसे गोबर, पशुमल तथा जैव रासायनिक कचरे डालकर ऊर्जा प्राप्त की जाती है, इससे स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। इस प्रक्रिया में किसी प्रकार का पर्यावरण प्रदूषण भी उत्पन्न नहीं होता। इस संयंत्र में खनिज तेल का उपयोग नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड होगा इसका आंसर कि बायोगैस संयंत्र में किसका यूज़ नहीं किया जाता है, तो खनिज तेल का, और यूज़ किसका किया जाता है तो पशुमल का किया जाता है, जैव कचरा का और मानव मल का यूज़ किया जाता है। बायोगैस संयंत्र में खनिज तेल का यूज़ नहीं किया जाता, और इसमें जो अधिकतम मात्रा होती है वो होती है मैथेन की, मतलब CH4 की अधिकतम मात्रा होती है किसमें, बायोगैस संयंत्र में 65%। क्वेश्चन नंबर सिक्स जाएगा कि पर्यावरण सुरक्षित ईंधन है, ठीक है, पर्यावरण सुरक्षित ईंधन है, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा थर्ड गैस, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो जो गैस है पर्यावरण सुरक्षित ईंधन है, मतलब इसको जलने में ना के बराबर पर्यावरण प्रदूषण होता है, जबकि डीजल, लकड़ी और केरोसिन इनसे ज़्यादातर अत्यधिक मात्रा में CO2 की मात्रा उत्पन्न होती है, जो कि वायुमंडलीय ताप बढ़ा देता है, परंतु जो गैस है ये ना के बराबर इससे ऊष्मा तो अधिक उत्पन्न होती है, पर जो CO2 की मात्रा ना के बराबर निकलती है, इसलिए पर्यावरण सुरक्षित ईंधन है, तो आ जाएगा गैस, ठीक है, जैसे CNG हुआ या LPG। क्वेश्चन नंबर सेवन कि ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है, ठीक है, तो चारों ऑप्शन दिए इसके अनुसार ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है, ठीक है। तो पहले अगर हम बात करें तो यार जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, हम उन स्रोतों को बोलते हैं जिनका हम रीयूज़ कर सकते हैं, दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ अगर हम इन चारों ऑप्शन के अनुसार आंसर लगाएं तो ऑप्शन नंबर थर्ड होगा इसका आंसर, पौधे। तो पौधे का हमें कि रीयूज़ कर सकते हैं, उससे लकड़ी प्राप्त कर सकते हैं, पुनः पौधा लगाकर हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। तो नवीकरणीय मतलब जिसका दोबारा से यूज़ किया जा सकता है, तो पौधे हो सकता है, मतलब हम दोबारा से प्लांटेशन किया जा सकता है। परंतु अगर अदर ऑप्शन की बात करें जैसे कोयला, पेट्रोलियम और यूरेनियम, ये प्रकृति से प्राप्त होने वाला है, और यदि हम इसे एक बार यूज़ कर लेते तो प्रकृति के द्वारा ही इसे बनाया जा सकता है, ठीक है, और डायरेक्ट इसे बनाया नहीं जा सकता। इसलिए जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हो जाएगा तो पौधा होगा, बाकी तीनों ऑप्शन इसके आंसर नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर आठवां, राजस्थान में किस जिले में पेट्रोलियम निकाला जाता है, तो राजस्थान के किस जिले से पेट्रोलियम निकाला जाता है, तो ऑप्शन नंबर इसका फोर्थ होगा इसका आंसर, बाड़मेर से, ठीक है। तो राजस्थान के बाड़मेर जिले से पेट्रोलियम निकाला जाता है, और बाड़मेर जिले में संगला क्षेत्र, ठीक है, संगला क्षेत्र में केयर इंडिया द्वारा पेट्रोलियम पदार्थ की रिफाइनरी लगाई गई है। क्वेश्चन नंबर नाइन होगा कि एक विद्यार्थी, ठीक है, पेडागोजी का क्वेश्चन हो जाएगा ये, कि एक विद्यार्थी ने दो बॉक्स बनाए, पहले बॉक्स में सूरज, पानी और वायु के नाम की स्लिप डाली, जबकि दूसरे में कोयला, पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस के नाम की स्लिप डाली, पहले बॉक्स का नाम होगा, ठीक है। तो इन्होंने दो बॉक्स बनाए हैं, पहले में डाल दिया है सूरज, मतलब लिस्ट बनाई और पहले बॉक्स में डाल दिया है सूरज, पानी और वायु, और दूसरे में इन्हें डाल दिया है कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, तो ये डाल दिया। अब उसके बाद वो बोल रहा है कि पहले बॉक्स का नाम क्या होगा, तो अगर आप देखेंगे तो जो पहला बॉक्स है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो नाइन्थ है उसका पहला बॉक्स है जिसमें सूरज, पानी और वायु प्राकृतिक गैस से विद्यमान है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा फर्स्ट आंसर, कि जो पहला बॉक्स इसमें था सूरज, पानी और वायु, और ये तीनों चीज़ें क्या है, प्राकृतिक संसाधन है, तीनों के तीनों क्या है, प्राकृतिक संसाधन। तो पहले बॉक्स का नाम अगर हम रखना चाहें तो क्या रखेंगे, प्राकृतिक संसाधन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर टेन कि निम्न में से कौन ऊर्जा अक्षय संसाधन नहीं है, ठीक है, निम्न में से कौन ऊर्जा का अक्षय संसाधन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर, पेट्रोलियम, ठीक है। अगर हम बात करें तो अक्षय ऊर्जा संसाधन वे होते हैं जिन्हें एक बार प्रयोग करके पुनः प्रयोग में लाया जा सकता है, सॉरी
जिन्हें प्रयोग में लाया जा सकता है, तो अक्षय ऊर्जा संसाधन की बात करें तो जिनका एक बार यूज़ करके दोबारा यूज़ किया जा सकता है, परंतु यहाँ बोला कि अक्षय ऊर्जा संसाधन नहीं है तो पेट्रोलियम, क्योंकि हम पेट्रोलियम का एक बार यूज़ करके दोबारा इसे यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए पेट्रोलियम होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 कि प्राकृतिक संसाधन होते हैं, ठीक है, तो प्राकृतिक संसाधन होते हैं जो कि हमें इन्वायरमेंट से मिलते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 4th, क्योंकि जो जल, खनिज और लकड़ी तीनों चीज़ें हमें प्रकृति से प्राप्त होती है, और क्वेश्चन में बोला भी यही गया है कि प्रकृति संसाधन होते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4th होगा इसका आंसर, क्योंकि जल, खनिज और लकड़ी तीनों चीज़ें हमें प्रकृति से प्राप्त होती है, तो ऑप्शन नंबर 4th होगा इसका रियल आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत है, ठीक है, तो निम्नलिखित में से ऊर्जा का कौन सा वैकल्पिक स्रोत है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका 3rd आंसर, जल ऊर्जा, ठीक है। अगर हम बात करें तो वाटर एनर्जी ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत है, जबकि LED, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर 4th LED, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म होता है लाइट एमिटिंग डायोड, एक अर्धचालक डायोड होता है, इसे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह प्रकाश उत्सर्जित करता है, और जो लिथियम बैटरी ऑप्शन नंबर 1st है, इसे पुनः चार्ज करके प्रयोग करने योग्य बनाया जा सकता है, और इस बैटरी में अनावेशित होते समय इसमें लिथियम आयन इसके ऋणाग्र से धनाग्र की ओर प्रवाहित होते हैं। तो सिंपली आपको याद रखना है कि विकल्प स्रोत ऊर्जा का स्रोत कौन सा है, तो जल ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 13 कि निम्नलिखित में से विषम को चयनित कीजिए, तो निम्नलिखित में से विषम को चयनित कीजिए, तो ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका आंसर, प्राकृतिक गैस, तो निम्नलिखित में से जो विषम को चयनित करो, तो ऑप्शन नंबर इसका 4th होगा आंसर, प्राकृतिक गैस, क्योंकि जो सौर ऊर्जा है ये हमें रिन्यूएबल एनर्जी हो जाएगी, मतलब नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, पवन ऊर्जा भी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, और ज्वारी ऊर्जा भी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, जबकि जो प्राकृतिक गैस है ये हमें नेचुरल से प्राप्त होती है, और एक बार यूज करने के बाद हम इसे दोबारा यूज नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 14 हो जाएगा, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत कभी पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं करता है, तो निम्न में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत कभी पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर 2nd होगा इसका आंसर, सौर ऊर्जा, तो सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहलाती है, सौर ऊर्जा ही मौसम एवं जलवायु का परिवर्तन करती है, यही धरती पर कभी सभी प्रकार के जीवन जैसे पेड़ पौधे जीव जंतु का सहारा है, ठीक है, तो हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि ऊर्जा का स्रोत कभी पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं करता है, तो सौर ऊर्जा जो कि हमें सूरज से प्राप्त होती है ये कोई प्रदूषण नहीं करता है, और सभी जीव जंतु पेड़ पौधों को ऊर्जा भी प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 15 कि भूतापीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है, ठीक है, तो जो भूतापीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है, तो ऑप्शन नंबर 3rd होगा इसका आंसर, अपारंपरिक नवीनीकृत है, और अगर हम भूतापीय ऊर्जा की बात करें तो हमारी पृथ्वी पर कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर भूगर्भीय क्षेत्र से, मतलब पृथ्वी के अंदर से जो पानी निकलता है वो गर्म पानी निकलता है, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि नीचे जो प्लेट पाई जाती है जिस पर हमारा पूरा भूपर्पटी टिकी हुई है, वह प्लेट अत्यधिक गर्म होने के कारण जो ऊपर पानी निकलता है वह गर्म निकलता है, जो कि ऑलरेडी पहले से ही गर्म होता है, और जिससे बिजली बनाने में हमें कम ऊर्जा देने की आवश्यकता होती है, जिसके कारण हम कम ऊर्जा से एक ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, इसीलिए हम इसे बोल सकते हैं कि यह है अपारंपरिक नवीनीकृत संसाधन हो जाएगा भूतापी ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 16 राजस्थान में कौन सा नवीकरणीय संसाधन नहीं है, ठीक है, तो राजस्थान में कौन सा नवीकरणीय संसाधन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2nd होगा इसका आंसर, प्राकृतिक गैस, तो राजस्थान में प्राकृतिक गैस नवीकरणीय संसाधन नहीं है, जबकि जल विद्युत पवन ऊर्जा सौर ऊर्जा ये सारे नवीकरणीय संसाधन जो कि राजस्थान में विद्यमान है, तो ऑप्शन नंबर 2nd होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 की सीएनजी का ईंधन के रूप में किसमें इस्तेमाल किया जाता है, तो सीएनजी का इस्तेमाल किया जाता है वाहन और उद्योगों में ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4th होगा आंसर, याद रखिएगा। अब आगे देखते हैं यार, 17 क्वेश्चन हमने लिए थे, ठीक है, बाकी कुछ क्वेश्चन हमने इसमें ले लिए हैं वन्यजीव अभ्यारण्य से,
क्योंकि जो पिछला चैप्टर था ठीक है ऊर्जा एवं संसाधन उसके कम ही क्वेश्चन आए हुए थे अभी तक, तो हमने इतने ही क्वेश्चन लिए। अब जो इस चैप्टर में क्वेश्चन ले रहे हैं, मतलब जो 12 क्वेश्चन बचे हैं, वह राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण से रिलेटेड होंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो जाएगा गिर शेर परियोजना अवस्थित है। तो जो गिर शेर परियोजना अवस्थित है तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा इसका आंसर, गुजरात में। हम बात करें तो एशियाई सिंहों का जो घर है वह भी गिर क्षेत्र परियोजना के अंतर्गत ही आता है, और गिर क्षेत्र परियोजना में स्पेशली एशियाई शेरों को संरक्षित रखा गया है। और इसकी जी स्थापना की अगर हम बात करें तो 1973 में स्थापना की गई थी गिर क्षेत्र परियोजना की, ठीक है, और है कहाँ, तो गुजरात राज्य में। क्वेश्चन नंबर 19, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है, ठीक है, तो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर, कहाँ पर है, तो राजस्थान में। तो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के अलवर, ठीक है, याद रखिएगा अलवर में अवस्थित है। और अगर हम इसकी बात करें सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान की, ठीक है, तो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान के अगर बात करें तो 1958 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, मतलब 1958 में इसको वन्यजीव अभयारण्य घोषित कर दिया था सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, जो कि राजस्थान में है। और टाइगर रिजर्व हमने इसे कब बनाया, तो याद रखिएगा 1979 या हम 1989 बोल सकते, तो 1989 में इसे टाइगर रिजर्व क्षेत्र बना दिया गया, और जबकि इसकी स्थापना 1958 में की गई थी, और है कहाँ, तो राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 20 कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर आरंभ किया गया था, ठीक है, तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर आरंभ किया गया था तो 1973 में। अगर हम एक्ट की बात करें, ठीक है, जो हमने इसे कानून बनाया था तो बनाया था 72 में, परंतु प्रारंभ कब से किया गया, तो 1973 में, याद रखना है आपको 1973 से टाइगर रिजर्व स्टार्ट कर दिया था। और अभी तक टोटल जो है हमारे इंडिया में 49 टाइगर रिजर्व है, और अगर हम 48 नंबर की बात करें तो 48 नंबर का जो टाइगर रिजर्व है वह है राजा जी टाइगर रिजर्व, ठीक है, और 49 नंबर के टाइगर रिजर्व की बात करें तो आ जाएगा औरंग, ठीक है, औरंग टाइगर रिजर्व 49वें नंबर का, जो कि असम में। क्वेश्चन नंबर 21, फूलों की घाटी अवस्थित है, ठीक है, तो फूलों की घाटी अवस्थित है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर, उत्तरांचल में, जिसे हम उत्तराखंड के नाम से जानते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, गिर वन्यजीव अभयारण्य निम्न में से किस वन्यजीव का संरक्षण करता है। अभी हमने देखा कि गिर वन्यजीव अभयारण्य किन वन्यजीवों का संरक्षण करता है, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी, शेरों का, ठीक है, एशियाई शेर, जो कि सॉरी ऐसे शेर पाए जाते हैं कहां पर, गिर में। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें तो गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में अवस्थित है, तो ये क्वेश्चन भी हम देख चुके हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका, ठीक है, गिर राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर अवस्थित है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड होगा इसका आंसर, गुजरात राज्य में, ठीक है, और इसकी स्थापना हुई थी 1965 में, और इसे अगर हम टाइगर रिजर्व की बात करें तो बनाया कब था, तो 1973 में बनाया था। क्वेश्चन नंबर 24, असम के प्रसिद्ध एक सिंह वाले गेंडे वाला जीव अभयारण्य कौन सा है, ठीक है, तो असम का एक सिंह वाले गेंडे का वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है, 24 का ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सेकंड, काजीरंगा। तो असम का प्रसिद्ध एक सिंह वाले गेंडे वाला राज्य कौन सा हो जाएगा, तो सॉरी वन्यजीव अभयारण्य, तो इसका हो जाएगा सेकंड आंसर काजीरंगा, जहाँ पर एक सिंह वाले गेंडे को संरक्षित रखा गया है। और इसकी स्थापना की अगर हम बात करें काजीरंगा की, तो ये हुई थी 1908 में, ठीक है, 1908 में स्थापना हुई थी और एक सिंह वाले गेंडे को संरक्षित रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 25 की निम्नलिखित में से किस जनपद, ठीक है, निम्नलिखित में से किस जनपद चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है, तो कहाँ पर चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य अवस्थित है, तो यह जाएगा चंदौली में, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य अवस्थित है, और इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो 1957 में स्थापना हुई थी चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य की, और स्थित है चंदौली, एक डिस्ट्रिक्ट है यूपी का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 हो जाएगा कि किस राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था, ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि हेली राष्ट्रीय उद्यान
पहले किसे कहा जाता था? तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट होगा आंसर जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान को पहले हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था। तो अगर हम बात करें तो जो हेली राष्ट्रीय उद्यान है इसकी स्थापना हुई थी 1935 में और 1935 से लेकर 1947 तक, ठीक है, 1947 तक 1935 टू 1947 तक इसे कहा जाता था हेली राष्ट्रीय उद्यान, और 1947 से 1957 तक इसे फिर से नाम चेंज कर इसे रख दिया था रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, जो 1947 से 1957 तक जो जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है इसी का नाम रख दिया था रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो याद रखिएगा इसका दो बार नाम चेंज हुआ है, 1935 में जब स्थापना हुई थी तब उसका नाम था हेली राष्ट्रीय उद्यान, तो वो रहा कब से कब तक है, तो 1935 से 47 तक, 47 में फिर से इसका नाम चेंज किया और रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान रखा गया, कब तक, 57 तक, और 57 में इसे फिर से नाम चेंज कर रख दिया है जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। और अगर हम बात करें तो टाइगर रिजर्व क्षेत्र इसने बनाया गया है, सबसे पहला टाइगर रिजर्व क्षेत्र भी था जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, और ये था 1973 में। क्वेश्चन नंबर 27 की काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, ठीक है, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है किस लिए, तो ऑप्शन नंबर थर्ड होगा इसका आंसर एक सींग वाले गेंडे के लिए, और है कहाँ, तो ये असम राज्य में। क्वेश्चन नंबर 28 की केदारनाथ अभ्यारण्य निम्न में से निम्न के लिए जाना जाता है, तो केदारनाथ अभ्यारण्य, ठीक है, निम्न में से किस लिए जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर इसका फोर्थ होगा इसका आंसर, ठीक है, कस्तूरी मृग के लिए। तो हम ये बात बोल सकते हैं कि जो कस्तूरी मृग अगर पाया जाता है तो केदारनाथ अभ्यारण्य में पाया जाता है, और जो केदारनाथ अभ्यारण्य ये अलकनंदा घाटी में स्थित है, ठीक है, कहाँ पर, अलकनंदा घाटी में स्थित है, और केदारनाथ मंदिर के कारण ही इसका नाम केदारनाथ अभ्यारण्य रखा गया है, और है कहाँ, तो उत्तराखंड में, और क्या संरक्षित रखे गए हैं या मतलब क्या वहाँ पाए जाते हैं अभ्यारण्य में, तो कस्तूरी मृग। क्वेश्चन नंबर 29 हो जाएगा कि निम्नलिखित में से किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मैनरी राष्ट्रीय पार्क अवस्थित है, ठीक है, तो याद रखिएगा गल्फ ऑफ मन्नार मैनरी राष्ट्रीय पार्क अवस्थित है, तो चारों ऑप्शन के अनुसार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है, तमिलनाडु में। तो हम ये बोल सकते हैं कि गल्फ ऑफ मन्नार मैनरी राष्ट्रीय पार्क अवस्थित है, तो तमिलनाडु में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 30 जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है, तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है मध्य प्रदेश में, जिसकी स्थापना 1982 में हुई थी, ठीक है, 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। तो मित्रों आज के लेक्चर में इतना ही, अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। आप ये ज़रूर बताइएगा कि लेक्चर कैसा लगा और इसमें हम क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, और चैप्टर वाइज हम डिस्कस कर रहे हैं, आने वाले कुछ ही दिनों में मैथ्स की लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं सारी की सारी सीटेट और एमपीटेट को लेकर, ठीक है, तो अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।